फैक्ट नंबर एक, गाइस लियोनेल मेसी के साथ दिख रही ये खूबसूरत मॉडल कोई और नहीं बल्कि मेसी के बच्चों की माँ है, यानी कि उनकी पत्नी एंटोनेला रोकुजो है। जी हाँ गाइस, मेसी और एंटोनेला दोनों की ही लव स्टोरी बेहद खास है, क्योंकि एंटोनेला मेसी के एक दोस्त की बहन है और इसीलिए अक्सर मेसी बचपन में अपने दोस्त से मिलने के बहाने एंटोनेला से मिलने उनके घर जाया करते थे। लेकिन 11 साल की उम्र में मेसी को अर्जेंटीना छोड़ना पड़ा और वो बार्सिलोना चले गए, जिसके बाद साल 2004 तक दोनों की कोई मुलाकात नहीं हो पाई थी। पर तभी अचानक से एंटोनेला के बेस्ट फ्रेंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस कठिन समय ने एंटोनेला और मेसी को फिर से मिला दिया, जिसके बाद साल 2009 में दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया और 3 साल बाद साल 2012 में उनका पहला बेटा हुआ, जिसके बाद फाइनली साल 2017 में दोनों ने शादी कर ली। यानी कि बचपन से ही दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है और इसीलिए मेसी उनकी पत्नी को फीफा वर्ल्ड कप में मिली जीत की एक बड़ी वजह मानते हैं। फैक्ट नंबर दो, गाइस ट्विटर का सलमान खान से लेकर सुंदर पिचई तक का डेटा लीक हो चुका है। जी हाँ गाइस, हैकर्स ने पूरे 40 करोड़ लोगों का डेटा लीक किया है और ये ट्विटर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग भी शुमार हैं। और अब सबसे हैरानी की बात यह है कि सबूत के तौर पर इन हैकर्स ने सुंदर पिचई, सलमान खान, स्पेसएक्स, नासा और भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डेटा हैक की लिस्ट भी जारी कर दी है और ट्विटर को धमकी देते हुए कहा है कि अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप इन सारे यूजर्स का डेटा हमसे खरीद लो या फिर डेटा लीक होने का इंतजार करो। वैसे गाइस, अगर ये बात बिल्कुल सही निकली तो क्या आपको लगता है कि ट्विटर पूरे 40 करोड़ लोगों का डेटा इन हैकर से खरीद पाएगा?